फर्क सिर्फ इतना था, वहां लोग थे यहां लोग नहीं थे। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। एक ही दिन के अंदर दो लीग्स के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे, एक ही दिन के अंदर दो लीग्स के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक औरतों की लीग थी एक मर्दों की लीग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि औरतों की लीग के अंदर लोग ज्यादा थे, मर्दों की लीग के अंदर लोग कम थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक इंडिया की लीग थी एक पाकिस्तान की लीग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के साथ आईपीएल लगता है एक के साथ पीएसएल लगता है। समझ तो आप गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं वुमेन्स प्रीमियर लीग की। वुमेन्स प्रीमियर लीग का कल एलिमिनेटर मैच था जिसके अंदर आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला था वुमेन्स का, ये मेंस का नहीं। मेंस के मुकाबले के अंदर लोग आए, व्यूअरशिप ज्यादा है समझ आती है, वुमेन्स का मुकाबला था और ये वुमेन्स की प्रीमियर लीग ने पीएसएल को अच्छी खासी टक्कर दे दी हुई है। जब से पीएसएल कराची के अंदर गई है ना बंदा ना बंदे की जात, क्राउड आने का नाम ही नहीं ले रहा। प्लेऑफ के मैचेस के अंदर भी नहीं क्राउड आ रहा। लोगों जो लोग टीवी के ऊपर मैच देखते हैं ना उनको साफ दिख रहा होता है, क्या गेस्चर जाएगा कि प्लेऑफ के मैचेस के अंदर भी लोग नहीं आ रहे। पिंडी हाउसफुल, लाहौर हाउसफुल, मुल्तान हाउसफुल, लेकिन कराची हाउसफुल देखने को आंखें तरस गई हैं। बात कर रहा था मैं एलिमिनेटर की, भी मुबारकबाद दो आरसीबी की टीम को, आरसीबी के फैंस को। ई साला कप नंबरे होने वाला है क्योंकि आरसीबी फाइनल खेलने वाली दिल्ली के साथ। आपको याद होगा 2008 में जब आईपीएल शुरू हुई थी तो आरसीबी सेकंड लास्ट ट्राई थी। इसी तरह से वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर भी आईपीएल की टीम पहले सीजन के अंदर सेकंड लास्ट आती है। अगर बात करें 2009 की आईपीएल की तो उसके अंदर मेंस की जो आरसीबी की टीम थी उसने फाइनल खेला था डेक्कन चार्जर, डीसी डेक्कन चार्जर के खिलाफ। इसी के साथ साथ वुमेन्स प्रीमियर लीग के सेकंड सीजन के अंदर आरसीबी की टीम फाइनल खेलने जा रही है, वो भी डीसी के अगेंस्ट। इस दफा फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम डेक्कन चार्जर थी, इस टाइम ये दिल्ली कैपिटल है। तो मतलब कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। क्या रिजल्ट भी रिपीट होंगे या इस दफा आरसीबी की टीम ट्रॉफी जीत जाएगी? स्मृति मंधाना की कैप्टनसी के अंदर एलिसी पेरी जैसी बड़ी प्लेयर खेल रही है और क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। ऑरेंज कैप होल्डर भी है। मैं समझता हूँ मुंबई इंडियंस की लड़कियों का ये मैच था लेकिन उन्होंने मैच अपने हाथ से गंवा दिया। 6 बॉलों में 12 चाहिए था शानदार किस्म की बॉलिंग की वह स्ट्राइकर ने। और मुबारकबाद दो वुमेन्स प्रीमियर लीग को, एक सक्सेसफुल इन्होंने एडिशन करवा दिया, इनका फाइनल होगा। इसी के साथ साथ वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो ये आरसीबी की टीम है भाई, ये तो बड़ी शानदार किस्म की टीम है। इसने पहले सीजन में जो फ्लॉप परफॉर्मेंस रही थी उसके बावजूद इस सीजन में शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। क्या ये साल आरसीबी की टीम का होने वाला है? क्या इस साल के अंदर विराट कोहली की टीम, फैफ डू प्लेसी की टीम, ग्लेन मैक्सवेल की टीम, मोहम्मद सिराज की टीम क्या फाइनल खेलेगी? मैंने तो आपको बोल्ड प्रेडिक्शन कर दी हुई, अगर आपको याद हो मैंने तो कह दिया था कि आरसीबी वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का फाइनल होगा आईपीएल 2024 का। अब आपने कमेंट के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है होता नजर आ रहा है। लेकिन जो भी है इसमें कोई शक नहीं है, क्राउड के मामले के अंदर वुमेन्स प्रीमियर लीग ने दिल जीत लिया। 26,000 बंदा दिल्ली के स्टेडियम के अंदर आया हुआ था, अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर 26,000 बंदा आया हुआ था। और अगर आप कराची के स्टेडियम को देखें सिवाय दो इनक्लोजर के सारे इनक्लोजर खाली पड़े हुए थे, लोग आए नहीं थे, प्लेऑफ का मैच था। तो मसला सिर्फ यही है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रही है पीएसएल के साथ, अब इनका एलिमिनेटर भी सेम दिन में हो रहा है दोनों तरफ। अगर आप देखो तो एक तरफ मैं लाइव मैच देख रहा था, आज तो मैं लाइव देख रहा था वुमेन्स का मैच, जब तक पीएसएल का मैच नहीं शुरू हुआ था। क्राउड इन्वॉल्व था, पैडी जब बैटिंग कर रही थी तो क्राउड उसको सपोर्ट कर रहा था, पता चल रहा था। और अब डीसी का जब दिल्ली का मैच होगा तो और क्राउड आएगा, फाइनल के अंदर और क्राउड आएगा। अब देखते हैं कि कराची के अंदर तो अभी तक कोई स्टेडियम फुल हुआ ही नहीं है, अब देखते हैं कि अगले जो दो मैचेस उनके अंदर क्राउड आता है कि नहीं। लेकिन फिर भी आपको मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ ये मामला खराब हो चुका हुआ है। इसी के साथ साथ बात करें तो आपको बड़ी न्यूज आपको देते हैं, पाकिस्तान 20 साल के बाद जाके पाकिस्तान ट्राई सीरीज होस्ट करने जा रहा है। अब आप सोचोगे ये ट्राई सीरीज कहां से आ गई, तो मैं आपको बताता हूँ। मोहसिन नकवी साहब, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि दुबई में आए आईसीसी टीम के साथ मीटिंग करने गए हैं, तो वहीं उन्होंने मीटिंग की साउथ अफ्रीका के चेयरमैन के साथ, बोर्ड के न्यूजीलैंड के बोर्ड के चेयरमैन के साथ। उन्होंने डिसाइड किया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के अंदर होनी है
उससे पहले फरवरी के अंदर एक ट्राई सीरीज रखी जाए। लास्ट टाइम ट्राई सीरीज 2004 के अंदर पाकिस्तान में हुई थी, उसके बाद जाके अब जाके ट्राई सीरीज होगी जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम आपस में खेलेंगी और होस्ट करेगा पाकिस्तान, क्योंकि जो होस्टिंग राइट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के वो पाकिस्तान है के पास है। तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिस की जाए, तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ट्राई सीरीज को होस्ट करने जा रहे। यही नहीं, एक दफा नहीं, एक और दफा भी ट्राई सीरीज होने का इम्कान है। इसी के साथ साथ चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक ओपन एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जिससे आपको मैसेज क्लियर होगा कि पीसीबी फुल जिसको कहते हैं ना अपने बात पे कायम है कि पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो ट्राई सीरीज क्या होती है मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। आपको जैसे कि दो बाय सीरीज कहा जाता है, दो बंदों की, दो दो मुल्कों की टीम को ट्राई सीरीज, आपको पता ही तीन का मतलब आया था, ट्राई का मतलब तीन होता है और तीन मुल्कों की सीरीज होती है। एक तरह से एक कप खेला जाता है इसका। अब डिसीजन कैसे होता है, इसके अंदर एक पॉइंट टेबल काउंट किया जाता है, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो दो टीमें फाइनल खेलेंगी। तो पाक वर्सेज साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड, इन तीनों के आपस में मैचेस हुआ करेंगे, जिन दो टीम से सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो दो टीमें फाइनल खेलेंगी और वो कप जीत जाएंगे। अगर आपको याद हो 2023 का जो वर्ल्ड कप था T20 का, पहले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर ट्राई सीरीज हुई थी जो कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान में फाइनल हुआ था और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को फाइनल हरा के इस कप को अपने नाम किया था। तो ये बड़ा शानदार किस्म का टूर्नामेंट होता है और क्राउड भी इसमें बड़ा दिलचस्पी लेता है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स का सिस्टम आ जाता है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। मुबारकबाद दो पीसीबी को, उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला किया है।